जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, आज के समय में जो एक ट्रेंड माना जा रहा है कि ग्रेनाइट को यूज़ किया जाता है। ग्रेनाइट, मार्बल, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, इसको क्या यूज़ करना चाहिए और कहाँ यूज़ करना चाहिए, हर एक चीज़ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। आप कहोगे ग्रेनाइट, आप कहोगे मार्बल, हर एक चीज़ का उपयोग लिया जा सकता है किचन के स्लैब के रूप में। लेकिन फिर हम सभी को पता है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन होनी चाहिए, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। और भी डायरेक्शंस हैं जहां पे किचन होती हैं एज पर यूटिलिटी। ये सही नहीं है कि साउथ ईस्ट में ही किचन होती है सिर्फ। साउथ ईस्ट एक अच्छी जगह है और सबसे उपयोगी है जहां पे हम रख सकते हैं, लेकिन अगर जहां पे अगर आपकी पोजीशन नहीं बन रही है कि आप साउथ ईस्ट में कोई अवेलेबिलिटी नहीं है किचन होने की, तो अलग बहुत सारे और डायरेक्शंस भी हैं जहां पे हम किचन रख सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट अलग अलग आता है। तो हम कैसी यूटिलिटी है और कैसी कहां पे पॉसिबिलिटी है, दोनों के हिसाब से हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे हम अपनी किचन को पोजीशन करेंगे। कि जब भी हम नया घर बनाते हैं तो हमारे पास अप्रोच रोड कहां पर है, हमारे पास ड्रेनेज कहां से है, वो सारी ही चीज़ों को देखते हुए हमको रखना चाहिए। किचन के लिए दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ कि वहां पे वेंटिलेशन होना जरूरी है, लेकिन वेंटिलेशन भी प्योर वेंटिलेशन साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, कॉर्नर में नहीं होना चाहिए। आपकी हीट को वो एग्जॉस्ट कर देगा, हीट वहां सस्टेन नहीं कर पाएगी। सबसे जो आज प्रमुख चीज है जहां पे हम लोग को विचार करना चाहिए वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो किचन का स्लैब है वो क्या होना चाहिए। देखिए, स्लैब में दो तीन तरीके होते हैं, जिसमें मार्बल भी होगा, जिसमें ग्रेनाइट भी होगा, जिसमें सैंडस्टोन भी होगा, बहुत सारी वैरायटीज हैं। आपकी किचन कहाँ पर है इसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि आपका ऊपर स्लैब कौन सा यूज होगा। अगर सिर्फ बात साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन की है तो आई वुड गो फॉर मार्बल, वाइट मार्बल, उससे अच्छा कुछ नहीं है। बहुत ही प्योर एनर्जीज होती हैं, लाइम कॉन्स्टिट्यूंट है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज होती हैं। मार्बल और ग्रेनाइट में बहुत ही गहरा एक डिफरेंस है जो कि पोरस और नॉन पोरस होने का है, और वहाँ पे जो मॉलिकुलर बॉन्डिंग है वो ग्रेनाइट की बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो भारी होता है, इसी वजह से वो सस्टेनिंग होता है। और जो जितना सख्त होगा, जो जितना सख्त होगा, जितना मजबूत होगा, उसको हिलाना मुश्किल होगा। जैसे एक इंसान का है कि हाँ, जो जितना ही सख्त है उसको हिलाना उतना मुश्किल है, ठीक वैसे ही ग्रेनाइट है। जितना ग्रेनाइट हमारा सख्त है, इसी वजह से उसके अंदर स्क्रैचेस नहीं आते हैं, मेंटेनेंस फ्री रहता है, चमक बनी रहती है। तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है चीजों को देखना। लेकिन जब आदमी को फायर एलिमेंट को सपोर्ट करना है, फायर एलिमेंट को हमको एनहेंस करना है, तो हमको उसके ऊपर बहुत वजन नहीं देना। बहुत वजन का मतलब एक फायर है, जैसे कि अग्नि जल रही है, आपने किसी भी अग्नि जलाई, एक जगह पे एक स्थान पे आग जल रही है, उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दोगे नहीं चलेगा। अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है अपने अपने प्लेसमेंट में। आग के ऊपर आप पानी डाल दोगे तो भी बुझेगी, आग के ऊपर आप मिट्टी डालोगे तो भी बुझेगी। ये वैसा ही है, जब हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने स्लैब के ऊपर ग्रेनाइट लगा देते हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की किचन भी एफर्टलेस है, उसका कोई योगदान नहीं रहेगा। बस ये जरूर होगा कि वो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन जो होना चाहिए वहां पे हीट होगी ही नहीं, वो हमारे ग्रेनाइट ने दबा दी। सबसे जो वर्स्ट कंडीशन होती है जब हम साउथ ईस्ट किचन में ब्लैक मार्बल लगा देते हैं, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके भी किचन में ब्लैक मार्बल, ग्रेनाइट, तो इन चीजों को देखिए। हो सकता है आपके जीवन में भी ये सिम्टम्स आ रहे होंगे और आपको मालूम ही ना हो, क्योंकि आपने घर का मैप तो अच्छे से बनवाया था, लेकिन जब इंटीरियर में कुछ चीजों के सिलेक्शन होते हैं तो उसमें ग्रेनाइट का यूज, ये
अग्निगुप्त को बहुत ही हार्मफुल करता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है। अगर आपका किचन कहीं और है, मान लिया कि साउथ डायरेक्शन में है, तो साउथ डायरेक्शन की किचन में हमको क्या करना है, वहां पे हमको अग्नि को नहीं देना है। मतलब कि मंगल ग्रह का वहां पे रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट है, वहां पे हमको शुक्र नहीं ज्यादा एलिवेट करना है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम जो रेड ग्रेनाइट है हम उसको यूज करेंगे, ताकि वहां पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है फायर एलिमेंट की वजह से, रॉन्ग किचन होने की वजह से, किचन की रॉन्ग पोजीशन होने की वजह से, हम उसको वहां पे दबाएंगे। और साउथ ईस्ट में कैसे हमको अग्नि देनी है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। अगर साउथ ईस्ट का किचन है तो वाइट मार्बल, साउथ का किचन है तो रेड ग्रेनाइट। ये बहुत बहुत मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि आपको कहां पे क्या यूज करना है, इसको बड़े अच्छे तरीके से करिएगा। थैंक यू।